सो यस, हाई टू ऑल एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर क्लास नाइन्थ। भैया आपकी पहली वीडियो है ये क्लास नाइन्थ को लेकर के, लेकिन यार मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, क्लास नाइन्थ जो है ना, मैं कह सकता हूँ नाउ दिस इज़ समथिंग कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देख रहे हो। क्या होता है, लोग कहते हैं कि क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ वो दो साल हैं जहाँ पर आप अपने कैरियर की नींव बनाना स्टार्ट कर देते हो। मैं ये कहता हूँ कि क्लास नाइन्थ और टेंथ वो दो साल है कि आपके वो ये जो दो साल में नींव बनानी ना, इसमें आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो, कितने स्मूथली आप रन करोगे, ये चीज़ें जो ना क्लास नाइन्थ और टेंथ से डिसाइड हो रही होती है। क्लास नाइन्थ एक वो क्लास है जिसमें बच्चे आकर के या तो बिगड़ते हैं या फिर सुधर जाते हैं, यही दो चीज़ें हो रही होती है। कैसे, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुमने देखा होगा अपने जितना भी लाइक पीयर्स को, लाइक दे मस्ट बी गोइंग इनटू एनी ऑफलाइन कोचिंग्स और दैट इज सम लाइक दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पर जाकर के आप एग्जैक्टली देखा जाए तो बिगड़ते हो। क्या होता है कि तुम वहाँ पर जाते हो, तुम वही सोचने लगते हो कि हाँ भाई पीयर प्रेशर में आई हैव टू लुक कूल, आई हैव टू गेट इंडल्ज्ड इनटू दोज टास्क जो कि मेरे लिए आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेसेसरी नहीं है। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना, जैसे ही तुम उनके साथ में आगे बढ़ते हो, तुम्हारा पूरा पर्टिकुलरली दिमाग जो होता है वो पढ़ाई से हट चुका होता है। तो तुमको पहले तो एक ये इंटेंशन बनानी पड़ेगी कि अब ये मस्ती मजाक वाली चीज़ें नहीं रह गई हैं। नाउ दिस इज़ द क्लास जहाँ पर मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मैं नोट्स बनाऊँगा, जहाँ पर मैं सर के दिए हुए क्वेश्चन नहीं रटूँगा, कुछ प्रैक्टिस कर लूँगा, राइट। जहाँ पर लेकर के मैं वही सिर्फ किताबों के दिए हुए गिने चुने क्वेश्चंस नहीं करूँगा, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करूँगा। ये वो क्लास है, तो तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। नाउ यू आर इन टू अ क्लास जहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। नाउ इन दिस वीडियो वी जस्ट स्पेसिफिकली गोना टॉक अबाउट कि तुमको किस तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई को किक स्टार्ट करना है और किस मज़ेदार तरीके से इस पूरी जर्नी को आगे लेकर के चलना है। क्या मैं तुमसे ये कहने वाला हूँ कि तुमको दिन में 10 घंटे पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। बस मैं जितना बता रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे भी कह रहा हूँ, 3 घंटे भी कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली की जिसके थ्रू आप क्लास 10th में बढ़िया वाला स्कोर निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो अभी सीन क्या है यार, देखो हम सबसे पहले तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स को जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम अब आ गए हो क्लास नाइन्थ में तो सब्जेक्ट्स जानना ज़रूरी है। तुम्हारा एक साइंस होता है, साइंस में केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स है, आईसीएसई स्टूडेंट्स की हम लोग लाइक बात करें तो यहाँ पर से अगर यार देखा जाए तो दिस इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्लास, लाइक मतलब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। जब मैं क्लास नाइन्थ में था, आई एम ऑल्सो आईसीएसई स्टूडेंट, तो मुझे जितना टाइम ये सब कुछ करने में लगता था, उतना ये एक एक करने में लगता था। मतलब ये होते हैं यार एग्जैक्टली देखा जाए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है। एसएसटी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ना लेकर के तुम्हारे हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी है। अब इसको लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हाँ नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ये समझ लो। स्कोरिंग क्यों है ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ। देखो इसमें सिर्फ ज़्यादातर चीज़ों को रटना है। अच्छा, ये रटते हुए तुमको एक चीज़ लग रही होगी, भैया हमने इतना पता कर लिया कि क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी का कुछ भी क्लास टेंथ में नहीं आना, तो हम अभी क्यों पढ़ें? मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुमने ये चीज़ें अभी अच्छे से पढ़ ली, क्लास टेंथ में तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स ज्योग्राफी तुमको हलवा लगेगी, तुम पूरा 100 में से 100 स्कोर करके आओगे, समझ रहे हो। यहाँ पर कोई 90-95 की बात नहीं की मैंने, बोला पूरा 100 स्कोर करके आओगे अगर अभी अच्छे से पढ़ लिए। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नाइन्थ में भी 100 आ सकता है, इसमें बहुत ईजिली आ सकता है, मैं इसकी तो गारंटी भी नहीं लेता, क्योंकि लेकर देखो आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, बट दिस इज समथिंग बहुत एफर्ट्स मांगेगा, लेकिन उन एफर्ट्स को 4 गुना कम करके तुम इसमें 100 ले आओगे, बिकॉज दिस इज हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। उसके बाद में इंग्लिश 2 की बात करें तो इसमें ट्रेजर ट्रोव है और मर्चेंट ऑफ वेनिस है। लोग इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मैं कहता हूँ इट इज़ लाइक अ सब्जेक्ट विच शुड हैव टू बी स्टडीड डेली, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो ना सबसे खतरनाक चीज़ है भाई, आप CBSE बोर्ड में नहीं हो, ICSE बोर्ड में हो, आपको शेक्सपियर को पढ़ना है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे कठिन इंग्लिश आप क्लास नाइन्थ में पढ़ने जा रहे हो। आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि बस ऐसे देखो पढ़ के कुछ नहीं होता। तुम एक बात बताओ, एग्जाम में जाकर के पढ़ते हो या फिर लिखते हो, राइट, लिखते हो ना, ऑब्वियसली तुम्हारी फ्लुएंसी, तुम्हारी वोकेबलरी सिर्फ उसी के थ्रू जो है ना अच्छे तरीके से ग्रो कर रही होगी। तो तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम इंग्लिश 2 को लिख करके बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा भी निकाल लोगे बहुत है, आधा घंटा मतलब डेली बेसिस पर आधा ही घंटा तो है यार, तुम्हारे दिन में 24 घंटे हैं, समझ रहे हो, 48 पार्टिसिपेशंस है, आधा एक निकालना है उसमें से 1/48 इस चीज़ के लिए, जो कि तुमको शायद से पूरा जो है ना बचा लेगी क्लास टेंथ में, बिकॉज दिस इज समथिंग जो क्लास टेंथ में भी आएगा, ठीक है। तो ये तुमको लेकर के क्लास टेंथ के लिए भी प्रिपेयर होना है भाई, वो बोर्ड्स है, आप समझ रहे हो ना, आपको कंपेयर किया जाएगा शर्मा जी के बेटे के साथ में,
तो वो कंपैरिजन में आप आगे निकल जाओ, इसलिए आपको अभी से इसमें बढ़िया तरीके से जो ना लाइक समझ रहे हो अच्छे तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम लोग इंग्लिश वन की बात करें, मैथ्स की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, भैया इसको सिर्फ इंपॉर्टेंट में क्यों डाल दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको जो लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी है, जो स्कोरिंग भी है और जो डेली टू स्टडी भी है, ठीक है, आ रहा है समझ में। मैथ्स तुमको डेली पढ़नी ही पड़ेगी, इंग्लिश वन तुमको 20 से 25 मिनट डेली लिखना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। कंप्यूटर्स देखा जाए तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात बस कह सकता हूँ, उससे तुम्हें खुद में ही पता पड़ जाएगा कि मैं किस कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ। सी बात इतनी सी है कि अगर तुम मेरे ऊपर इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, कंप्यूटर्स को मैं बोल रहा हूँ, मैं हाँ प्रणय मिश्रा पर, अगर आप क्लैरिफाई नॉलेज पर अगर आप पूरे कंप्यूटर्स को छोड़ देते हो, क्लास नाइन्थ में रहते रहते मैं तुमको उतना प्रिपेयर कर दूंगा अभी कुछ 4-5 महीने में कि तुम क्लास टेंथ के सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 बार आ चुके हैं ना, वो तुम ऐसे चुटकियों में ऐसे 5-5 मिनट में सॉल्व करूंगा। आ रहा समझ में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोग्रामिंग की जितनी हाइप तुम्हारे सामने बना दी गई है वो कुछ भी नहीं है, और कोई एक ऐसा बच्चा जिसने कंप्यूटर्स के अलावा इकोनॉमिक्स या फिर कमर्शियल ले रखा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बात वही है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसको डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ता है, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर्स और कमर्शियल्स। अब देखो यार, मेन चीज़ है, अब बात करते हैं दैट अब पढ़ना कैसे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि तुमको कैसे भी किताब कभी भी पढ़ मारा, एक प्रॉपर गो थ्रू, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। बात स्ट्रेटजी वीडियो भी सिर्फ ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देख रहा कि हाँ मैंने सोच लिया अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, भाई सोचना नहीं था पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करनी है तो आपको इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं देखी जाती है, ये एक लाइक एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए देखी जानी चाहिए, ठीक है। अब सीन क्या है देखो तुम्हारा, मैंने यहाँ से लेकर के जो ना तुम्हारे पूरे पढ़ाई के स्लॉट, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से किसी कोचिंग वगैरह में जाओ मत, बिकॉज दैट इज़ द वेस्ट ऑफ मनी, और आपके मम्मी पापा उस पैसे को दे रहे हैं, तो उनसे कह दो कि यूट्यूब के कंटेंट के थ्रू भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हम अपनी सेल्फ स्टडीज़ के थ्रू बहुत बढ़िया स्कोर निकाल सकते हैं। अगर तुमको लग रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ विच आर राइट देयर, टॉपर्स ने खुद ने ये चीज़ बोली है, एडमिट की है, तो तुम ये सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब सीन क्या है देखो, मैं सबसे पहले तो तुमको बताऊं, यहाँ पर हमारा अगर हम लोग बात करें, मेजर वन में मैंने डाल रखा है साइंस को और मैथ्स को, ठीक है, साइंस और मैथ्स को मैंने जो ना यहाँ पर से डाल रखा है, इफ़ यू कैन सी दिस। अब मेजर वन का सीन होता क्या है, मैंने बोल दिया आपने जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हो 2-3 घंटा ही निकालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 घंटे का एक स्लॉट निकालो जहाँ पर आप लेकर के साइंस और मैथ पढ़ोगे, एंड इसमें ऑल्टरनेटिव डेज पे। अब तुम कहोगे भैया मैथ्स डेली पढ़नी है, भाई पढ़ना मैथ्स, किसने कहा नहीं पढ़ो, कोचिंग में अगर जा रहे हो क्यों जा रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जा रहे हो तो उधर पढ़ो, उसके बाद में स्कूल में पढ़ो, बिकॉज स्कूल इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है, तो उधर पढ़ो, अच्छी बात है। और होमवर्क को कभी पढ़ाई कंसीडर करो मत, होमवर्क मिल रहा है वो इससे अवे है, लाइक वो समझ रहे हो वो अलग चीज़ है, वो तो करना ही करना होता है, ठीक है। तो तुमने लेकर के यहाँ पर क्या किया, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1.5 आवर्स निकाल दिया ऑल्टरनेटिव डेज पर, हमको साइंस पढ़ना है और हमको मैथ्स पढ़ना है। ये चीज़ें पढ़ी कैसे जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुमको पता नहीं है ऑनलाइन पढ़ना कैसे है, मैं तुमको बताऊँ, तुम कुछ नहीं करो, तुमको साइंस पढ़ना है, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, जो भी चैप्टर पढ़ना है वो डाल दो, उस पर लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, उन लेक्चर्स को अटेंड करो, नोट्स बनाते चलो, हमारी साइड से लेक्चर्स आते हैं, साथों साथ नोट्स भी आ जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस के लिए कॉन्टेंट भी आ जाता है, सब कुछ यहाँ क्लैरिफाई नॉलेज पर अवेलेबल है, ठीक है। तुम उन चीज़ों को एक्सेस करो, वो जो भी चीज़ आ रही है उसको देखो, उसको अच्छे से समझ लो कि हाँ भाई कैसे क्या उसमें हो रहा है, और उसको पढ़ मारो। प्लस मैथ्स के लिए क्या है कि यहाँ पर तुम एक वन शॉट को अटेंड कर दो, ठीक है, वन शॉट तुमको मिल जाएगा, उस वन शॉट को अटेंड करके जस्ट गो थ्रू विथ ऑल द थिंग्स जो भी है, सब कुछ अच्छे तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट करो, और ये चीज़ें जो ना तुमको एकदम लाइक मैं कह रहा हूँ हंसी मजाक लगेगी, ठीक है। ये 1.5 घंटे में अगर आप चाहोगे तो, ठीक है, मैं गारंटी दे सकता हूँ एक बात की कि आप 1.5 घंटे में इजीली एक साइंस का, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का एक चैप्टर को निपटा सकते हो। अब लोग कहेंगे हाउ इज दैट लाइक पॉसिबल, लेकिन मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि हमारे जो वन शॉट्स आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि पूरी सब कुछ चीज़ें करनी है, उसको देखा, उसके थ्रू उसको समझा, बुक रीडिंग लगाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, अब तुम 80% प्रिपेयर्ड हो, फिर रिवीजन वगैरह के थ्रू और थोड़ी एडिशनल क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस के थ्रू तुम 100% प्रिपेयर्ड हो जाओगे। तो 1.5 घंटे में एक चैप्टर निपट सकता है अगर आप 1.5 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो। लेकिन आपको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है वो मैं बता दूँ, साइंस और मैथ्स के लिए यू हैव टू यूज़ कंसाइज बुक्स, ठीक है, कंसाइज पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं ये तुमको जो ना लेकर के अपनी यूज़ करनी है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से बात क्या भैया, हमारा ये मेजर वन का स्लॉट तो ओवर हो गया, राइट, ये मेजर वन का स्लॉट तो इज़ लाइक ओवर। अब यहाँ से बात आएगी तुम्हारे माइनर वन पे, माइनर वन क्या, अब देखो ये मैंने मेजर वन मतलब मेजर समझ रहे हो, मेजर क्या है तुम्हारा, ये मेजर नहीं अपन को पढ़ना है, उसका माइनर वन के ऐसे स्लॉट्स हैं कि मैंने लगा रखे हैं 2 स्लॉट्स, अब एक 1 आवर का स्लॉट लगेगा तुम्हारा,
ठीक है, ये तुमको कभी भी लाइक सी आई एम नॉट सेइंग दैट वन हार तुमको 70 मिनट पढ़ना हो 70 मिनट पढ़ लो, 50 मिनट पढ़ना हो 50 मिनट पढ़ लो, बट फ्लेक्सिबल लाइक इतना ही फ्लेक्सिबल रखो कि 50 से 70 हो बस, ठीक है। यहाँ से क्या है, अपन लोग HCG या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन को ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे को मैं एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ऐसा कोई चीज़ होती ही नहीं है कि यू हैव टू कंप्लीट अ चैप्टर, आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने, 1 घंटे कोडिंग कर भाई, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कोडिंग में जहाँ मजा आने लगा 1 घंटे नहीं 7 घंटे करेगा, और करना बिल्कुल करना, सबसे बेस्ट चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो हो सकती है आप ये चीज़ इस स्किल को जो ना डेवलप करो, तुमको ये आगे चल करके इतना हेल्प करेगी, तुम्हारा कैरियर भी अभी से सेट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये कंप्यूटर एप्लीकेशन तो कर ही सकते हो। व्हाट आई कैन सी इज HCG का एक चैप्टर ऐसे चुटकियों में, ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे कंप्लीट करोगे तुम, ठीक है, ऐसे समझ लो, लाइक ये इसका एक चैप्टर अपन वन शॉट अटेंड कर लें अगर एक, ठीक है, एक वन शॉट हमने अगर लेकर के लगा लिया तो आप ये समझ लो आपका इसका एक चैप्टर लाइक ऐसे हो जाएगा। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, टाइप अ पर्टिकुलर चैप्टर नेम एंड उसके ऊपर एक लेक्चर लगाओ, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ, उसके बाद में अपनी बुक पे जाओ, एक प्रूफ रीडिंग मारो, प्रूफ रीडिंग जैसी डन हुई कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करो और ये चीज़ें 1 घंटे में हो जाएंगी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार देखो ऐसा है, एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ें अपन को करनी कब तक है, आज से 8 महीने 10 महीने बाद हमारा पेपर है, कितने हफ्ते होते हैं उसमें, बहुत हफ्ते, मतलब अगर हम लोग 4 के काउंट से भी देखें 40 हफ्ते, अब अगर 7 दिन है तो हमारे पास में कितने दिन हो गए, 280 दिन, क्या आपको 280 चैप्टर्स करने हैं, नहीं ना, तुमको गिनती के कुछ 30-40 चैप्टर करने हैं। अगर तुम हफ्ते में भी लेकर के एक चैप्टर करते चलोगे और एक कंप्यूटर का भी करते चलोगे तो आपकी इजीली काम चल जाएंगे, समझ लो। सो इट्स मोर लाइक आपको डेली कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना है रेदर देन आपको निपटाना ही निपटाना ही है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन में निपटा देना, बट चीज़ें ऐसी है कि मैं बता रहा हूँ कितना सिंपल है कि 1 दिन में भी निपट सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट द मेजर लाइक माइनर टू। अब ये क्या है ना, 30 मिनट का एक स्लॉट निकालने को बोल रहा हूँ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, 30 मिनट्स का एक स्लॉट निकालो फॉर लाइक इंग्लिश वन, ठीक है। अब ये 30 मिनट का जो तुमने लाइक स्लॉट निकाला इंग्लिश वन के लिए, ठीक है, सॉरी इंग्लिश टू के लिए, ठीक है, ये तुमको इंग्लिश टू के लिए निकालना है, इंग्लिश टू इज बेसिकली योर MOV एंड ट्रेजर ट्रोव, ठीक है। इसके लिए जो तुम स्लॉट निकालोगे इसमें अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करो, अगर तुमने ये चीज़ कर ली कि तुम्हारी राइटिंग जो है ना इन्हेंस हो रही है, ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से तुम्हारा काम चलता रहेगा। अब नाउ इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस, तुम्हारी सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई हुई, मैंने तुमसे कहीं से भी ये भी नहीं बोला कि भाई आपको जो ना 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, वो पॉसिबल भी नहीं है, तुमको नहीं पढ़ना है 3 घंटे, बस इतना पढ़ते चलो, बस खुद के ऊपर एक एहसान कर लो कि भाई आपको जो इंग्लिश वन करना है और हिंदी करना है इसको लेकर के जस्ट फाइंड 15 मिनट्स, 15 मिनट यार 15 मिनट में क्या ही होता है, 15 मिनट निकालो और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते चलो। अगर ये चीज़ें हमने कर ली, मैं तुमको एक गारंटी देता हूँ, तुमको पढ़ाई इतनी सिंपल लगने लगेगी, तुम खुद से इतने कॉन्फिडेंट होगे कि तुम बोर्ड एग्जाम से 6 महीने पहले बोल दोगे कि लाओ मैं बोर्ड्स देने के लिए रेडी हूँ, या फिर 9th के जो एग्ज़ाम है वो अगर उनसे जो ना 6 महीने पहले बोल दोगे लाओ मैं अभी एग्ज़ाम देने को रेडी हूँ, मेरे एग्ज़ाम करा दो, इस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमको ये चीज़ समझनी है कि वी हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, इस तरीके से बढ़िया स्टार्ट करो, ठीक है, एंड सारी चीज़ों को एकदम स्मूथली रन करवाते चलो, एंड जस्ट रिमेंबर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, फॉलो दिस लाइक दीज 3 थिंग्स के, एक मेजर वन बनाना है, एक मेजर लाइक माइनर वन बनाना है और एक माइनर टू बनाना है, इसको सोचते हुए हमको आगे बढ़ना है और ये कल से इंप्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, इफ़ यू आर लाइक फीलिंग के मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी भी कुछ लाइक डाउट्स वगैरह है, यू कैन मेल मी एट pranay@clarifynowledge.in, मैं मेल्स को पिक करने की कोशिश करता हूँ, या फिर तुम जो है लेकर के मेरे को, सबसे बेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे एक DM कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपकी दिक्कत को श्योरली देख रहा हूँ, मैं वहाँ से रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ मैं देख करके चेक करवा करके मैं उस चीज़ को सॉल्व करूँगा किसी ना किसी वीडियो में। सो जस्ट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, pranay_c इज माई हैंडल, ठीक है, एंड तब तक के लिए आई होप सो तुमको ये सारी की सारी चीज़ें जो ना बढ़िया तरीके से यार क्लियर होंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगनिंग, क्लास 9th एक वो क्लास है जिसमें या तो तुम सुधरोगे या बिगड़ ही जाओगे, तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे क्या चाहते हैं, जस्ट बी सीरियस और बढ़िया तरीके से जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। एंड तब तक के लिए अब रखते हैं इस वाली वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।